हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं प्लेटिना की पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि प्लेटिना के बारे में हम लोग कॉलेज से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती है और ईगोटिज्म यानी ईगो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, यानी अपने आप को बहुत ऊँचे दर्जे वाला समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है और अपने से छोटे को ये कुछ नहीं समझता है। तो लेकिन ये जो चीज़ हम पढ़ते आए हैं ज़्यादातर ये पेशेंट में नहीं मिल पाती है, प्रैक्टिस में वो चीज़ जो है नहीं देखने को मिलती है। तो अब इसके प्लेटिना के बारे में हम देखते हैं माइंड ओब्रिज, ऐसी माइंड ओब्रिज जो कि हमको क्लिनिक में रोज़ एक दो पेशेंट में मिलती है, एक दो पेशेंट रोज इसके मिलते रहते हैं। तो इसमें अगर सबसे पहली माइंड ओब्रिज हम देखें तो एक माइंड ओब्रिज है डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। अब डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर को समझने के लिए इसको देखते हैं कि डिल्यूजन मींस होता है यानी उसको लगता है, उसको ऐसा सेंसेशन होता है, उसको ऐसा एहसास होता है। हेल्प हेल्प माने मदद चाहिए और कॉल करता है, यानी कब, पहले तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, अपने को बहुत कुछ समझता है, कहता है मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, पहले तो ये दवा नहीं देना चाहता डॉक्टरों से। तो किस स्टेज में जाके ये डॉक्टर के पास जाना चाहता है, हमें आज ये देखना है, ये पकड़ना है कि ये प्लेटिना का पर्सनालिटी किस स्टेज में डॉक्टर के पास आता है, किस स्टेज में क्लिनिक के पास आता है। तो अगर इसकी जो है पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ये पेशेंट अपने आप से सब कुछ अरेंज करने की कोशिश करता है, सेल्फ रिपोर्ट करता है, यानी अपने से प्रयास करता है कि वो ठीक हो जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले वो चाहता है कि वो अपने से उसको अरेंज कर ले, जैसे कोई देसी नुस्खा अपना लेगा, गुनगुना पानी पिएगा, सर दर्द की प्रॉब्लम है तो बाम लगा लेगा या कुछ ऐसे चीज लगा लेगा कि यानी बगैर दवा के वो सही हो जाए, अपने से वो सही हो जाए। या जैसे उसके घर में लोग जो है बुजुर्ग लोग करते आए हैं, जैसे जुखाम हो गया तो काढ़ा बना के पी लिया, पेट की प्रॉब्लम है तो पानी पी लिया, ज़्यादा पानी पी लिया कि ज़्यादा पानी पी लेने से पेट सही हो जाएगा, गुनगुना पानी पी लिया, या सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो बाम लगा लिया, यानी वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहेगा, दवा नहीं लेना चाहेगा। स्टार्टिंग में ये क्योंकि इसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होती है और ये अपने आप को बहुत कुछ समझता है, तो ये इसलिए जो है ये सब डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेगा। अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो इसके लिए बहुत ही शर्मनाक सी बात होती है, यानी ये बहुत अपने आप को शाही महसूस करता है, शर्म महसूस करता है, यानी वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहेगा। लेकिन जब सारी रिपोर्ट कर लेने के बाद, जैसे घरेलू नुस्खे हैं, काढ़ा बना के पी लिया या घरेलू नुस्खा जो भी है उसको सब को कर लेने के बाद भी अगर इसकी प्रॉब्लम नहीं आराम मिल रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, अब इसको लग रहा है कि जो है ये दिन ब दिन और इसकी कंडीशन वर्स हो जा रही है, बेकार हो जा रही है, तब ये डॉक्टर के पास जाना चाहेगा, तब ये डॉक्टर को कॉल करेगा हेल्प के लिए। तो अगर ऐसी पर्सनालिटी हमारे सामने आ रही है पेशेंट की, ये फीलिंग मिल रही है, तो वहाँ पे प्लेटिना मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इस तरीके से हम माइंड रूब्रिक्स यूज कर सकते हैं, डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर। अब डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर में एक सेट और पेशेंट मिलता है कि अक्सर पेशेंट क्या करते हैं कि जैसे उनको कमजोरी की प्रॉब्लम हो गई है तो वो टॉनिक मांगने चले जाते हैं, डॉक्टर साहब कोई टॉनिक हो तो दे दीजिए, और कोई टॉनिक हो तो दे दीजिए। और वो ये भी बताएंगे कि हम जो है हर चार महीने में या हर महीने या हर दूसरे महीने में हम जो है पता लगा विटामिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, ग्लूकोज आईवी चढ़वा रहे हैं, ड्रिप लगवा रहे हैं, क्योंकि कमजोरी रहती है इतनी कि जो है हमको ये करना पड़ता है। तो वो तो एक तो वो टॉनिक मांगेंगे, यानी वो आपका जो है श्रेय नहीं चाहेंगे, अपने को ठीक करने में आपका श्रेय नहीं चाहेंगे, आपके पास आएंगे लेकिन वो अपनी फिर वहां में भी अपनी ही झाड़ेंगे कि मैं तो सब कुछ कर लूंगा, ये है वो है,
और वो अपने से मांगना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमको टॉनिक दे दीजिए, और ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमको जो है हर चार महीने में या हर दूसरे महीने या कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि हमको जो है विटामिन का इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, और या जो है ग्लूकोज चढ़वाते रहते हैं, नहीं तो हमारी परेशानी जो है बढ़ जाती रहती है। तो वो अपने से सब कुछ अरेंज करते हैं, सेल्फ अफोर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस तरीके का जो है केस मिल रहा है तो वहाँ पे भी जो है हम डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर माइंड रूब्रिक्स लगा सकते हैं, वो ये माइंड रूब्रिक्स लगाते हैं, और ऐसे केसेस में भी जो है ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। जिसमें एक अगला और सेट हम देख सकते हैं कि जैसे कोई भी डॉक्टर हैं तो उनके अंदर भी मान लो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, और वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो वो अपना ट्रीटमेंट वो अपने से ही करते हैं, नहीं सही हो रहा फिर भी लगी हुई है, ये दवा ले रहे हैं वो दवा ले रहे हैं, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो अपने से ही प्रयास में लगी हुई है। लेकिन फिर जब एक पोजीशन आई कि वो अब उनको लग रहा कि ये हमारी कंडीशन तो बहुत ही बढ़ जा रही है, हमारे बस की बात नहीं है, हम अब नहीं सही कर पा रहे हैं, तो वो जो है फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो यहाँ पे भी और वो शुरू में अपने से ही कुछ ना कुछ, जैसे मान लो अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो कोई चीज लगा रहे हैं, किसी ने कुछ बता दिया तो उसमें लगा रहे हैं, या लहसुन लगा रहे हैं या प्याज का रस लगा रहे हैं या कोई चीज लगा रहे हैं और अपनी दवा ले रहे हैं। लेकिन अपने से यानी सेल्फ कुल मिला के प्लेटना के केस में देखें तो पेशेंट के अंदर इतनी ईगो होती है वो कि वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, किसी डॉक्टर के सामने नहीं झुकना चाहता, किसी के आगे जाना नहीं चाहता है, किसी की हेल्प नहीं चाहता है, वो सोचता है कि सब कुछ हम ही कर लें, डॉक्टर क्या जानते हैं, डॉक्टर से अच्छा तो हम ही जानते हैं, ये सब उसके दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ पे भी डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर ले करके हम अगर प्रेरणा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जाता है। अगर वो स्किन का कंप्लेंट है, स्किन की प्रॉब्लम है, या जितनी भयंकर स्किन की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केसेस जो है प्रेरणा से ही सॉल्व हो जाते हैं। और इसमें अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लो पोटेंसी चलाते हैं, 6 पावर में या 30 पावर में चलाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो इस तरीके से डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर में ये कम से कम 3 सेट के रूप में हमको पेशेंट मिलते हैं। और वहाँ पे प्लेटना देने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी वो फीलिंग जो उसकी होती है, वो फीलिंग जो आए दिन बीमार कर रही है वो फीलिंग खत्म हो जाती है, और वो फिर बार बार बीमार नहीं पड़ता है, और उसको जैसे टॉनिक है या वो जो बार बार मांगने आ रहा है, लेने आ रहा है डॉक्टर के पास, तो वो टॉनिक नहीं मांगेगा, और जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो ये डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर में रिपर्टी में केवल अकेली मेडिसिन है, ये प्लेटिना मेडिसिन अकेली होती है। अब हम देखते हैं कि प्लेटिना की पर्सनालिटी जो है क्यों डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, या क्यों अपने से सेल्फ अफोर्ड करता रहता है। तो प्लेटिना की पर्सनालिटी में अगर देखते हैं तो एक तो उसके अंदर ईगो होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी डिल्यूजन सुपीरियरिटी ऑफ में है, ईगोटिज्म में है, और ये ज़्यादातर मैं की भाषा बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं ये कर लूँगा, मुझे बहुत नॉलेज है, यानी अपने बारे में बहुत ज़्यादा ये तारीफ करता है। तो प्लेटिना की पर्सनालिटी जब पेशेंट जो है बीमार पड़ता है, यानी जब पर्सन बीमार पड़ता है वो प्लेटिना के मेंटल स्टेट में आता है, तो ये 3-4 पॉइंट्स है इसकी वजह से, यानी ये फॉलो करता है। तो प्लेटिना की पर्सनालिटी जब बीमार पड़ती है तो वो क्या होता है कि नंबर एक तो वो करेगा कि टू अवॉइड डॉक्टर, यानी डॉक्टर को अवॉइड करना चाहता है, डॉक्टर की हेल्प नहीं लेना चाहता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता है, क्योंकि उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होती है, ईगो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है और उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा।
तो प्लेटिना के जब मेंटल स्टेट में पर्सन जाता है बीमार होने पे, तो वो डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि डॉक्टर को क्या पता, सबसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ, डॉक्टर को कुछ जानकारी नहीं है, डॉक्टर वो अपना वही दवाई चलाएंगे, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। वो डॉक्टर के पास उसको जाना ही समझो उसकी नाक कटने के बराबर है, यानी वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब उसको समझो कि बहुत उसको इंसल्टी लगती है कि हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, हमारी नाक कट जा रही है, डॉक्टर के पास जाएंगे। और दूसरा क्या है कि टू अवॉइड मेडिसिन, मेडिसिन नहीं लेना चाहता है। तो प्लेटिना की पर्सनालिटी मेडिसिन क्यों नहीं लेना चाहता है, उसके दिमाग में रहती है कि ये जो एलोपैथिक दवाई है ये नुकसान करेगी, एलोपैथिक मेडिसिन खराब होती है, ये कुछ न कुछ नुकसान करेगी, और इसलिए वो जो है एलोपैथिक मेडिसिन तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है। होम्योपैथिक के लिए वो तो तैयार रहता है कि हाँ होम्योपैथिक मेडिसिन हम ले सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन वो नहीं लेना चाहता है। और एक दिमाग में उसके ये भी रहता है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने से इसकी आदत पड़ जाएगी, एलोपैथिक मेडिसिन लेने से इसकी आदत पड़ जाएगी, और एलोपैथिक मेडिसिन खराब होती है, एलोपैथिक मेडिसिन लेने से आदत पड़ जाएगी, इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन से आज तक कोई सही नहीं हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट उसके माइंड में रहते हैं जिसकी वजह से वो अवॉइड करता है, डॉक्टर को अवॉइड करता है और अवॉइड करता है मेडिसिन को अवॉइड करता है। और मेडिसिन क्या कोई भी ट्रीटमेंट वो नहीं लेना चाहता है, एक माइंड टू बी सकती है रिफ्यूजेस एवरी ट्रीटमेंट, यानी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता है वो। लेकिन बीमार पड़ने पे जब वो हर तरीके से अपने सेल्फ रिपोर्ट के बाद जब वो डॉक्टर के पास जाता है, एक पोजीशन तो ऐसी रहती ही है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा ही, तब वहाँ भी जो है वो डॉक्टर को प्लीजेंट की तरीके से प्लीजेंट टोन में बात नहीं करता है, वो अनप्लीजेंटली बात करता है डॉक्टर से, यानी डॉक्टर के अंदर भी जो है वो ऐसी बात करेगा कि वो अच्छा ना लगे डॉक्टर के लिए, ऐसी भाषा बोलता है कि वो डॉक्टर को भी अच्छा ना लगे। तो इसमें क्या होता है कि ये अवॉइड करता है डॉक्टर को अवॉइड करता है, यानी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, मेडिसिन को अवॉइड करता है, और टू बी क्योर्ड नेचुरली, यानी ये नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहता है, यानी कोई मेडिसिन नहीं यूज करेगा। नेचुरल तरीके के मतलब कि जैसे ये रेस्ट करना चाहेगा, अगर मान लो कमजोरी है प्रॉब्लम है तो सोचेगा कि थोड़ा रेस्ट कर लो उसके बाद फिर अपना कोई काम करते हैं, तो या पेट की प्रॉब्लम है तो ये पानी पिएगा ज़्यादा, कि पानी पिएंगे तो हमारा पेट और अच्छा हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा, फिर जो है हमारी धीरे धीरे प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहेगा, टू बी क्योर्ड नेचुरली ये क्योर होना चाहता है। तो अगला पॉइंट है टू फॉलो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोड बाय हिज एंसेस्टर, यानी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट वो चाहता है, जैसे उसके घर में जो उसके ग्रैंडफादर जो यूज करते चले आए हैं, तो वो चीज़ यूज करके वो अपने आप को ठीक करना चाहता है, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर ये भरा होता है कि हम जो है एलोपैथी दवाएं नुकसान करती है, एलोपैथी दवाएं से हम नहीं ठीक होंगे, एलोपैथी दवाएं फायदा अच्छा नहीं होती हैं, उसकी आदत पड़ जाएगी, ये सब पॉइंट के चलते वो जो है वो ट्रेडिशनल वे यानी जो उसके फादर ग्रैंडफादर यूज करते चले आए हैं, जैसे कोई अगर जुकाम हो गया तो टी पी लिया, कॉफ़ी पी ली, या जो है काढ़ा बना के पी लिया, इस तरीके से पानी गर्म गुनगुना पानी पी लिया, पेट की प्रॉब्लम में गुनगुना पानी पी लिया, हेडेक की प्रॉब्लम है तो उसमें बाम लगा लिया, या इस तरीके की चीज़ें जो उसके फादर ग्रैंडफादर करते आए हैं, जो उसके एंसेस्टर करते आए हैं, वो करके वो जो है वो ठीक होना चाहता है। तो इसलिए ये प्लेटिना की पर्सनालिटी जो है डॉक्टर को पास नहीं जाना चाहता है, मेडिसिन नहीं लेना चाहता है, और नेचुरल तरीके से वो ठीक होना चाहता है, नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहता है, बगैर दवा के ठीक होना चाहता है, यानी कोई भी दवा नहीं चाहता है। एलोपैथिक दवा तो बिल्कुल ही नहीं चाहता है, एलोपैथिक दवा को उसको लगता है कि ये जो है बहुत ख़राब होती है, इसकी आदत पड़ जाएगी, इस सब की वजह से वो एलोपैथिक दवा बिल्कुल नहीं चाहता है।
टू अवॉइड डॉक्टर यानी प्लेटिना का मेंटल स्टेट ये है कि टू अवॉइड डॉक्टर यानी डॉक्टर को अवॉइड करता है, टू अवॉइड मेडिसिन यानी मेडिसिन नहीं लेना चाहता है, मेडिसिन को अवॉइड करता है, और टू बी क्योर नेचुरली यानी वो नेचुरल तरीके से हर्बल तरीके से वो ठीक होना चाहता है, और टू फॉलो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट यानी ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करता है जो उसके फॉलोड बाई हिज एंसेस्टर यानी जो उसके फादर ग्रैंड फादर यूज करते चले आए हैं, तो वो चीज वो यूज करके वो चीज वो फॉलो करके वो अपने आप को ठीक कर लेना चाहता है। और जब सब कुछ करने के बाद नहीं ठीक होता है, जब उसको लगता है कि अब जो है हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा नहीं तो हमारी कंडीशन और ही बेकार हो जाएगी, हमारी पोजीशन और बेकार हो जाएगी, हम और काम करने लायक नहीं रह जाएंगे, तब वो फिर जो है डॉक्टर के पास जाता है, तो ये पोजीशन होती है डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर यानी वो लास्ट आखिरी स्टेज में जब उसको लगता है कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं ठीक हो रहा है, तो वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तब वो हेल्प के लिए कॉल करता है, तब वो डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा कि हमको हेल्प चाहिए, तो उस तरीके से ये फिर वो डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर में आता है। तो ये प्लेटिना की पर्सनालिटी है, जब प्लेटिना का मेंटल स्टेट में पर्सन आता है तो ये चार पॉइंट को वो फॉलो करता है यानी इस चार पॉइंट के को वो विशेष ध्यान रखता है और इस तरीके से वो फिर मेडिसिन नहीं चाहेगा। अब इसमें एक और माइंड डिस्टर्बेंस होती है सीकिंग एड फॉर, सीकिंग एड फॉर और ये डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर, ये दो प्लेटिना पर्सनैलिटी में बहुत ही मेन माइंड ओब्रिस होती है। और सीकिंग एड फॉर में भी सीकिंग एड फॉर का वर्जन भी अक्सर जो है क्लिनिक में पेशेंट को मिलता है, पेशेंट से मिलता है। जैसे एक बार हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आया और तो इतफाक से उसने रोड पे ही रोड से जो हमारे क्लिनिक के सामने से रोड से पास हो रहा था तो उसने देखा कि जो है हम बैठे हुए हैं तो रोड से दिखता है, तो क्योंकि हम डोर अपना पूरा बंद नहीं करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, तो हम दिखे तो वो मेरे पास आया तो कहने लगा डॉक्टर साहब जो है हम ऐसे निकल रहे थे तो हमने सोचा चलो जो है आपसे मिल लेते हैं और हमको ये पेट में प्रॉब्लम रहती है, वैसे तो हम अपने से कुछ दवा ववा ले लेते हैं और लेकिन ये कि कुछ अगर आपके पास हो तो दे दीजिए तो थोड़ा सा और अच्छा बन जा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, कभी कभी भी परेशानी हो जाती है पेट दर्द की, तो इतना उसने बोला तो हमने जो है उसको फिर ये प्लेटिना जो है 200 पावर में उसको दो खुराक दवा दे दी और वो दवा लेके फिर घर चला गया। दवा लेके घर जा रहा था तो लगभग मेरी क्लिनिक से 4-5 मिनट का रास्ता था पैदल का उसको उसका घर, दवा लेके गया तो रास्ते में ही और दवा मेरे ही सामने एक खुराक खा लिया था, एक खुराक हमने कहा कि 5 मिनट बाद फिर खा लेना, तो घर तक पहुंचा नहीं था तो उसको जो है उसमें रिस्पांस लगा, उसको जो पेन हो रही थी हल्की सी उसमें रिलीफ लगा उसको, तो दवा घर जाते जाते फिर वो अपनी वाइफ को लेके आया, वो अपनी वाइफ को लाया और फिर अपनी वाइफ के बारे में फिर अपना दवा लिया, तो जबकि उसकी वाइफ का हमने केस लिया तो उसकी उसका केस जो है इग्नेशिया का था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्लेटिना का पेशेंट कैसे हमारे क्लिनिक में आता है, यानी वो आएगा तो कहेगा कि डॉक्टर साहब हम इसी रास्ते से जा रहे थे या ऐसे हम जा रहे थे तो सोचे चलो आपसे दवा ले लेते हैं, और वो दवा लेने के लिए भी जब आएगा तो कहेगा कि हम अपने से कुछ कर लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पी लिए या कुछ अपने से दवा ववा लिए लेकिन डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा है और कुछ अगर आपके पास हो तो दे दीजिए, यानी कुछ आपके पास हो तो दे दीजिए, यानी वो आपसे बिल्कुल पूरा जो है हेल्प नहीं ले रहा है यानी एड चाह रहा है। तो यहाँ पे अब वो कुछ हो तो दे दीजिए यानी डॉक्टर से अगर इस तरीके से कोई बोलेगा तो डॉक्टर को अच्छा तो नहीं लगेगा, अच्छी फीलिंग नहीं लगेगी उसको, यानी ये प्लीजेंट टोन नहीं होती है, ये अनप्लीजेंट टोन होती है। तो पेशेंट अगर अनप्लीजेंट टोन में होता है तो ये मतलब सीकिंग कर रहा है, और हो तो दे दीजिए कुछ दे दीजिए यानी
ना भी देंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम चल रहा है, लेकिन अगर कुछ हो तो दे दीजिए। तो इस तरीके से अगर जब पेशेंट बोलता है तो ये होता है सीकिंग एड फॉर, और बिल्कुल से वो जो है मैं अपने से कुछ कर लेता हूँ, मैं अपने से जो है कुछ हमने किया लेकिन सही नहीं हुआ, अब दे दीजिए, तो मैं की भाषा ये पेशेंट ज़्यादा बोलता है। तो इस तरीके से उसको हमने जो है प्लेटिना दिया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था उसको, और वो रिजल्ट देख के ही फिर तुरंत ही घर जाके अपनी वाइफ को दिखाने के लिए हमको मेरे पास आया। तो इस तरीके से अगर इस तरीके का पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है और ये जो है हिस्ट्री बयां कर रहा है तो यहाँ पे हम प्लेटिना देते हैं, और प्लेटिना मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये प्लेटिना के बारे में हमने आज देखा, डिल्यूजन हेल्प कॉलिंग फॉर और सीकिंग एड फॉर, ये दो रूब्रिक्स आप समझ लेंगे तो काफी पेशेंट प्लेटिना के आपको आप सही कर ले जाएंगे, प्लेटिना के पेशेंट ये काफी समझ में आपको आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे और भी तमाम माइंड रूब्रिक्स की वीडियो जो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके।